बारी फिर रिपीट करता हूँ मैं इसको, सी एंड ई है पहले, देन बी एंड डी, देन ए एंड सी, देन ए बी सी, ओके, देन ए एंड सी, जी एंड बी, एफ एंड ए, एफ जी ए, देन ई एंड जी ए शार्प है, सो एफ शार्प एंड ए, देन जी एंड जी शार्प एंड बी, ध्यान रहे जो बार नंबर 7 है वहीं पर ही आपको वॉल्यूम बढ़ानी है जहां पे क्रिसेंडो शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका बार नंबर 9, उसमें पहले हम नोट्स देख लेते हैं कौन कौन से नोट्स हैं, एफ एन ए, एफ एन ए, एन ई एन जी, डी एन एफ, फिर कैसे बजेगा ये, ओके, देन नेक्स्ट है आपका ई एन जी, देन बार नंबर 13, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका बार नंबर 9, उसमें पहले हम नोट्स देख लेते हैं कौन कौन से नोट्स हैं, एफ एन ए, एफ एन ए, एन ई एन जी, डी एन एफ, फिर कैसे बजेगा ये, ओके, देन नेक्स्ट है आपका ई एन जी, बार नंबर 13, ओके। अब नेक्स्ट जहां से स्ट्रिंग वाला पार्ट आता है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, पहले 2 बीट्स का रेस्ट है, सो नोट्स देखो कौन से नोट्स हैं, सी ई एंड ए, सो 1 and 2 and 3 and 4 and 3 and 4 and, बार नंबर 17। अब इसमें टाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको नोट्स बहुत सारे नोट्स होल्ड करने हैं, तो वो कैसे होल्ड करना है और कैसे प्ले करना है अभी देखते हैं, उस पर फिंगर्स कैसे जाएगी। तो जो सबसे पहला नोट है बार नंबर 17 में, उस पर आपको फिफ्थ फिंगर रखनी है, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and। अब नेक्स्ट जहाँ से स्ट्रिंग वाला पार्ट आता है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, पहले 2 बीट्स का रेस्ट है, सो नोट्स देखो कौन से नोट्स हैं, सी ई एंड ए, सो 1 and 2 and 3 and 4 and 3 and 4 and, बार नंबर 17। अब इसमें टाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको नोट्स बहुत सारे नोट्स होल्ड करने हैं, तो वो कैसे होल्ड करना है और कैसे प्ले करना है अभी देखते हैं, उस पर फिंगर्स कैसे जाएगी। तो जो सबसे पहला नोट है बार नंबर 17 में, उस पर आपको फिफ्थ फिंगर रखनी है, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and। अब देखते हैं बार नंबर 22 का जो सेकेंड एंड है, 2 एंड है, उसको आप कैसे प्ले करोगे, क्या क्या नोट्स है उसमें, जी शार्प एंड बी, ए एंड सी, बी एंड डी, सो 2 and 3 and 4 and 1 and
two and three and four and one and two and three and four and okay. अब देखते हैं बार नंबर 22 का जो सेकेंड एंड है, टू एंड है, उसको आप कैसे प्ले करोगे, क्या क्या नोट्स है उसमें. जी शार्प एंड बी, ए एंड सी, बी एंड डी. सो टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड ओके. ये याद रखना, जहाँ पे डिमिनुएंडो है वहाँ पे आपको वॉल्यूम कम करनी है. जैसे बार नंबर 22 में आपका क्रिसेंडो बना हुआ है तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है. 21 में डिमिनुएंडो है तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम कम करनी है, या आपको अपना वॉल्यूम फिडर्स को ही यूज़ करना है, ये याद रखना. नेक्स्ट इज बार नंबर 25. अब इसको कैसे प्ले करेंगे, आपको अपनी फिफ्थ फिंगर एफ नोट पे रखनी पड़ेगी, मिडिल एफ से आगे वाला एफ है ये. सो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड, आगे है टू एंड पे जी और ए है. सो यू हैव टू कीप योर फोर्थ फिंगर टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड four and one and then two and three and four and. अब नेक्स्ट बार में, बार नंबर 29 में कौन से दो नोट्स हैं, बी फ्लैट एंड डी. वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड two and three and four and. अभी जो कोडा वाला पार्ट है बार नंबर 33, पहले इसका फर्स्ट बार हम देखते हैं क्या क्या नोट्स है हमारा. पहले जो दो नोट्स है वो एंड पे बजेंगे, वन के एंड पे और टू के एंड पे. तो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड देन सिंपल था. कौन कौन से नोट्स हैं, ए जी शार्प, ए सी ई जी शार्प ए. ओके, नेक्स्ट इज बार नंबर 25. अब इसको कैसे प्ले करेंगे, आपको अपनी फिफ्थ फिंगर एफ नोट पे रखनी पड़ेगी, मिडिल एफ से आगे वाला एफ है ये. सो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड, आगे है टू एंड पे जी और ए है. सो यू हैव टू कीप योर फोर्थ फिंगर टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड देन टू एंड थ्री एंड फोर एंड. अब नेक्स्ट बार में, बार नंबर 29 में कौन से दो नोट्स हैं, बी फ्लैट एंड डी. वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड. अभी जो कोडा वाला पार्ट है बार नंबर 33, पहले इसका फर्स्ट बार हम देखते हैं क्या क्या नोट्स है हमारा. पहले जो दो नोट्स है वो एंड पे बजेंगे, वन के एंड पे और टू के एंड पे. तो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड देन था. कौन कौन से नोट्स हैं, ए जी शार्प ए
शार्प ए। ओके, अब इस सॉन्ग में जो कोडा टू कोडा है उसका क्या मतलब है, तो ये सॉन्ग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये गाना आप यहाँ से शुरू करते हैं एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के यहाँ तक प्ले करोगे जहाँ पे लिखा हुआ है DSL कोडा। ओके, एंड इसके बाद आप ये गाना दोबारा से यहाँ से प्ले करेंगे और ये प्ले करेंगे टू कोडा तक जहाँ तक ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद डायरेक्टली आप आ जाएंगे कोडा वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट गाना यहाँ से लेकर आप यहाँ तक प्ले करेंगे। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वॉल्यूम आपको खुद कम करनी है, यहाँ पर वॉल्यूम आपको खुद बढ़ानी है, जितने भी रेस्ट है उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम आपको बढ़ानी है, जहाँ जहाँ ये आ रहा है उसका ध्यान रखना। और ये जो टाई वाला पार्ट है इसलिए मैंने स्लो करके बजाया ताकि आपको फिंगर्स की पोजीशन सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप ये सॉन्ग प्ले कर सकते हो इजीली।